In the chapter of optimization, the today's topic is the derivation of the conditional input demand function. When we say the derivation and its properties of the conditional input demand function, here the one word of conditional is more important. It means there can be the input demand function, but here the condition is this: that will be that input demand that will be फॉलोइंग द प्रिसिपल ऑफ मैक्सीमेशन ऑफ रेवन्यू और द प्रॉफिट और इट मीन वट विल बी द अमाउंट ऑफ इनपुट ऑफ द फॉर्म दैट विल एन्श्योर द प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन फॉर दैट फॉर्म तो जो कॉस्ट मिनिमाइजिंग के लेवल को हम देखें तो ये हमारी कॉस्ट की क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहा होता है कंडीशनल इनपुट डिमेंड में तो उसके लिए हम हर सिंगल इनपुट के लिए वेरियस उसकी फंक्शंस ऑफ़ डिमेंड बनाएंगे अगर हम उस पर अगर हम देखें तो अगर हमारे पास इनपुट डिमें जो है वो अवेलेबल है इन द फॉर्म मेन हम कहते हैं कि देयर इज सिंगल इनपुट एक्स वन तो दिस सिंगल इनपुट विल बी द फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस और देयर विल बी एनी सब्सिट्यूट और द कम्प्लीमेंट्री अदर इनपुट इट्स प्राइज एंड वी कैन हैव इवन इट इन द फॉर्म ऑफ एल टू मीन उसकी जो तो, कैपिटल की प्राइस या आर टू हम लगा सकते हैं एंड देन द आउटपुट प्राइस सो इफ नाओ द कंडीशनल इनपुट डिमेंड फंक्शन फॉर द सेकेंड इट विल बी लाइक दिस दिस एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस अमाउंट ऑफ हेयर दैट विल मेक इट द कंडीशनर इट मीन दैट पर्टुलर अमाउंट ऑफ दैट एक्स वन वेरिएबल और दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ दैट एक्स टू वेरिएबल दैट विल इंश्योर द प्रॉफिट मैक्माइजेशन ऑफ द फर्म अब अगर हम देखें तो ये इनपुट डिमेंड फंक्शन हमें शो कर रही हैं कि दे आर हैविंग डिपेंडेंसी ऑन देअर प्राइस एंड द आउटपुट प्राइसिस तो अब अगर हम देखें तो एक फर्म को जो तय करना है वो एक्चुअली ये देखना है कि इफ़ देर विल बी चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी इनपुट दैन व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑफ दैट चेंज इन इनपुट प्राइस और इफ़ देर इज़ अ चेंज इन द आउटपुट प्राइस तो उसका फर्म के टोटल प्रॉफिट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और अगर वो चेंज इन इनपुट प्राइसेस हो रही है तो जो उसका अफेक्ट है या आउटपुट की प्राइस से वो एडजस्टमेंट के प्रोसीजर को जो फॉलो करेगा तो उस एडजस्टमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करने में उसकी डायरेक्शन क्या होगी क्या वो इनपुट की डिमांड को रिड्यूस कर रहा होगा या वो इनपुट की डिमांड को एनहांस कर रहा होगा और अगर वो इनपुट की डिमांड को रिड्यूस कर रहा है मीन बिकॉज ही इज़ फेसिंग द इन्फ्लेशन ऑफ द रिसोर्स प्राइस तो उस फॉर्म में वो अपनी मिनिमाइज्ड कॉस्ट को किस तरीके से अटेन करेगा सो द फर्म्स का जो प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजिंग द कॉस्ट है फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ़ आउटपुट वो एक रिमार्केबली सिमिलर है अगर हम देखें तो जो प्रीवियसली हमने कंज्यूमर सेक्शन में देखा था कि अगर एक कंज्यूमर के पास फिक्स्ड अमाउंट है एक्सपेंडिचर की और वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा था और अगर हम उसके अपोजिट देख रहे थे कि अगर उसको अपनी यूटिलिटी को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे वो फिक्स या गिवन रखता है और ये देखता है कि उसके पॉकेट में जितने पैसे हैं मेन एक्सपेंडिचर अवेलेबल उसका तो वो मिनिमाइज कैसे करे कि वो गिवन लेवल ऑफ़ यूटिलिटी को कितने कम से कम रुपए में हासिल कर सकता है तो आवर दिस एग्जाम्पल इज पर्टिकुलरली एनालॉगस टू तो दैट वेन द फर्म हैज़ टू तो यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज इन अ मैनर कि वो तमाम आउटपुट को अटेन करे, बट विद द लीस्ट कॉस्ट और द मिनिमाइज कॉस्ट इसीलिए अगर हम देखें तो जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने एक्सपेंडिचर फंक्शन की ऑलरेडी स्टडी की थी उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अगर हम कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करें तो देन वी कैन से जो कॉस्ट का फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है इन द आउटपुट फॉर्म और नॉन डिक्रीजिंग है इन द फॉर्म ऑफ द आउटपुट मीन जब जब किसी भी फॉर्म ने अपने आउटपुट को एनहांस करना होगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट यूज़ ऑफ द इनपुट्स एंड वेन एवर द इनपुट्स विल बी यूटिलाइज देयर विल बी इंक्रीज इन द कॉस्ट क्योंकि यही हमारा मार्जिनल कॉस्ट का जो हमारा पास रूल है वो हमें असर्टेन करता है इसी तरीके से जब हमारा कॉस्ट जो फंक्शन है इनपुट की प्राइस और आउटपुट के लेवल पे तो हम कहें कि ये लीनियरली होमोजीनियस है इन द फॉर्म क्योंकि इसमें जम्प्स पॉसिबल नहीं है कि ये कहीं नहीं होगा कि वो जितनी भी अमाउंट को इनपुट को इस्तेमाल कर रहा होगा वो चूँकि उनके दरम्यान में वन और टू इनपुट्स आपस में सिर्फ थ्रू पर्टिकुलर सब्सिट्यूशन के जरिए ही पॉसिबल हो सकते हैं अदरवाइज इफ़ इट इज़ नॉट दैट लीनियरली होमोजीनियस तो वो हमारा डिफरेंट केस माइट बी दैट इज़ ऑफ द लिमिट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ एक वर्टेक्स पॉइंट पे होती है और जो कॉस्ट का फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी होगा और प्राइस को सेटअप को देखते हुए ये कंकेव होगा इसीलिए जब हम इससे शेफर्ड लेमा डिराइव करते हैं मीन व्हाट विल बी द चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू द चेंज इन दिस प्राइस ऑफ द इनपुट अब इसमें अगर हम देखें तो जो ये हमारे पी शो कर रहा है ये हमारी इनपुट प्राइस को शो कर रहा था और यहाँ पे अगर हम इसको शो करना चाहें तो हम इसको इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू एंड वाई से भी शो कर सकते हैं तो देन दिस शेफर्ड लेमा इट एक्सप्लेन दैट द चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू द चेंज इन दिस इनपुट प्राइज दिस विल भी इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ जी आई और अदरवाइज वी कैन से दैट दिस चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन डब्ल्यू आई इट कैन बी लाइक अमाउंट ऑफ दैट इनपुट अब अगर ये जो चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू अगर हम देखें तो ये बेसिकली हमारी जिस एक्सप्लेनेशन को शो करती है ये जो चेंज इन कॉस्ट है ये उसकी मार्जिनल कॉस्ट हमारे सामने आ जाती है इसी ऑस्पेक्ट को अगर हम अब दो इनपुट्स को देखते हुए एक्सप्लेन करते हैं मीन इफ़ द फर्म इज़ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट विद द कम्बिनेशन ऑफ द टू इनपुट्स एंड नाउ दीज टू इनपुट्स दे आर जी वन एंड जी टू और अगले हमने अपने प्रीवियस केसेज जब हम निकलसन की बुक देख रहे हैं तो वहाँ वो एक्स वन और एक्स टू इस्तेमाल कर रहा है एंड लाइक वाइज अगर यूजीन की देखें तो उसमें भी वो एक्स वन एक्स टू को यूटिलाइज कर एंड नाउ वी आर हैविंग वन कॉन्स्ट्रेंट और वो कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि जो आउटपुट है वो आइदर इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू आवर दिस कॉस्ट फंक्शन और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कहता है कि वो यूटिलाइजेशन ऑफ दो इनपुट्स को करते हुए जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है क्योंकि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है ये उसके लिए नेसेसरी है बिकॉज द प्रोडक्शन कॉन्स्ट्रेंट वो इक्वेलिटी है जो मैक्सिमम लेवल और इससे लेस पे वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता तो so, जो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है वो इस कंडीशन मीन व्हेन आउटपुट इज़ लेस देन दिस प्रोडक्शन फंक्शन तो वो उस पर वर्कआउट ही नहीं कर सकते सो द फर्म फेसिज आर डिमैंड कर फॉर इट्स आउटपुट और जो उसका डिमैंड कर्व है इट इज़ लाइक दिस अब जो फर्म को अगर हम देखें तो वो कॉस्ट और आउटपुट के बाद जो उसका पर्टिकुलर ऑस्पेक्ट है दैट इज रिलेटेड टू इट्स रेवेन्यू सो जो फर्म का जो टोटल रेवेन्यू है दिस इज नाउ हेयर दिस पी इज द प्राइस ऑफ आउटपुट सो दिस प्राइस ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इट विल गिव द रेवेन्यू और प्रोडक्शन कॉन्स्ट्रेंट जो इक्वेलिटी हमारे सामने रख रहा है उसके तहत अब अगर हम देखें तो दिस रेवेन्यू इट शुड बी इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू अटेन थ्रू आवर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंप्लीट प्रोडक्शन फंक्शन एंड नाउ कमिंग टू दैट व्हेन द फर्म हैज़ टू मैक्सिमाइज़ इट्स रेवेन्यू तो वही विल से कि उसके पास चूंकि दो इनपुट्स की चॉइस है और उन दो इनपुट्स की चॉइस के जरिए ही वो अपने रेवेन्यू को मैक्सीमाइज़ करेगा और अब यहाँ पर चूंकि फर्म्स का आउटपुट को हम इसलिए इसमें नहीं ले रहे क्योंकि वो हमारे पास रेवेन्यू के फॉर्म में सामने मौजूद है एंड हेयर इन द फॉर्म ऑफ दिस रेवेन्यू इफ वी सी दैट इट विल बी द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पी इंटू वाई जिसको हम यूटिलाइज़ करेंगे माइनस जो हमारे पास यहाँ पे इस पी आई को अगर हम देखें तो दिस शो दिशन ऑफ़ डब्ल्यू आई एक्स आई मीन दिज आर द टोटल कॉस्ट फंक्शन अब यहाँ पे जो हम इनपुट की प्राइस के तहत अगर उसको डिराइव करते हैं और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम लें कि व्हाट विल बी द चेंज इन रेवेन्यू विद द चेंज इन द आउटपुट तो हम कहेंगे कि हम इसको ऑप्टिमाइज करते हुए चेंज इन दिस रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन आउटपुट तो चूंकि पी को अगर हम देखें तो मार्केट की प्राइस को फॉर्म चेंज नहीं कर सकती तो दिस विल बी ओनली चेंज इन द आउटपुट और वो जो चेंज इन द आउटपुट होगी अगर हम इसको शो करने के लिए हम कहें कि दिस विल बी द चेंज इन द रेवेन्यू फंक्शन एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस आउटपुट माइनस दिस फर्स्ट डेरिवेटिव दिस एंड हेयर दिस पी आई विल बी इक्वल टू दिस डब्ल्यू आई सो अब अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास चेंज इन आर बाई आउटपुट को हम कहें तो ये हमारे पास जो शो कर रहा है दिस विल बी द चेंज इन द रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ये मार्जिनल रेवेन्यू होगा और जो हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे शो हो रहा होगा वाई के मुकाबले में तो दैट विल बी चेंज इन द आउटपुट दैट विल बी द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड दैट मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी परटेनिंग टू दैट इनपुट जिसके लिए हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे इफ़ इट विल बी फॉर फर्स्ट वेरिएबल देन इट विल बी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट एंड इट विल बी लाइक दिस डब्ल्यू आई इफ इट विल बी फॉर सेकेंड वेरिएबल देन वी कैन हैव हेयर इट वो इक्वल टू टू डब्ल्यू टू और अगर हम कहें तो ये फर्स्ट डेरीविटिव मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर हो सकता है और ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल भी हो सकता है और अगर ये फॉर्म ऑफ कैपिटल में होगा तो फिर हम इसको डब्ल्यू टू की बजाय हम यहाँ इसको आर से शो कर सकते हैं अब कीपिंग इन व्यू दिस जो हमारा यही प्रोडक्ट था तो हमने इसको कहा कि दिस इज़ चेंज इन रेवेन्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज़ मार्जिनल रेवेन्यू इनटू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड दिस मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अब हम इसको शो करना चाहें तो दिस मार्जिनल फिज़िकल प्रोडक्ट विद रेफरेंस टू एक्स वन हो सकता है विद रेफरेंस टू एक्स टू हो सकता है अगर ये वेरिएबल्स हों और ये विद रेफरेंस टू कैपिटल हो सकता है विद रेफरेंस टू लेबर बट इट विल बी इक्वल टू द प्राइस एंड दिस विल बी हेयर इट इज पी आई बट दिस इज द डब्ल्यू वन और इट कैन बी डब्ल्यू टू और इट कैन बी लाइक दिस मीन दिस इज द प्राइस ऑफ इनपुट सो द फर्म विल एडजस्ट इट्स इनपुट लेवल्स और ये उस वक्त तक एडजस्ट करती जाएगी कि जब तक कॉस्ट जो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की हमारे पास है वो उसके जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू प्रोड्यूस हो रहा है उसको इक्वेट ना कर ले तो अगर हम देखें तो इस ऑस्पेक्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड दैट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट फ्रॉम दैट सिंगल इनपुट एंड दिस मार्जिनल रेवन्यू प्रोडक्ट जो है दैट शोज दैट ये फॉर्म एक कंपेटिटिव मार्केट में जब सेल करते ही होती है तो वो इस फॉर्म में उसको शो कर रही होती है कि वेयर द चेंज इन द प्राइज ड्यू टू चेंज इन आउटपुट के तहत अगर हम देखें तो वो बेसिकली इसको इस पी को देखें तो ये पी इज इक्वल टू वेज और द कैपिटल प्राइस और द इनपुट प्राइस सो so, मार्केट में एडजस्ट करने के लिए एक फॉर्म को उस पॉइंट पर पहुंचना है कि जब एक एडिशनल यूनिट वो जो प्रोड्यूस कर रही है उस एडिशनल यूनिट से जितना आउटपुट मल्टीप्लाई बाय द मार्केट प्राइस के प्रोडक्ट की वजह से मार्जिनल रेवेन्यू उसको आ रहा है वो मार्जिनल रेवेन्यू एट लीस्ट इतना ज़रूर हो कि वो ऑफसेट कर रहा हो उस कॉस्ट को जो उस यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हुई है इसी अगर हम देखें तो वो जो एक एडिशनल यूनिट है जो मार्केट में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और अगर हम उसको यूटिलाइज़ करें तो जो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट को अगर हम देखें और उसको हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं यूनिट प्राइस ऑफ आउटपुट के तो हम उसको देखें तो मार्केट प्राइस के तहत उसका जो दूसरा नाम है उसको हम वी देते हैं मीन द वैल्यू ऑफ़ मार्जिनल फ़िजिकल प्रोडक्ट सो so, अगर हम कहें तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आइदर इट विल बी इक्वल और इट शुड बी मोर देन दैट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और इसी से हमारा दैट कट ऑफ पॉइंट जो है मेन एक फर्म का वो पॉइंट जिस पे वो डिसाइड कर सके कि आइदर इट हैज़ टू तो प्रोड्यूस मोर और लेस वो डिसाइड होता है सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिक्वायर करती है कि कॉस्ट ऑफ एनी आउटपुट लेवल इट शुड बी मिनिमाइज और उसके लिए वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की कंडीशन को डिवाइड कर सकती है ऑन इनपुट वन बाय द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन ऑफ द इनपुट टू अगर वो दो इनपुट्स को यूटिलाइज करते हुए प्रोड्यूस कर रही है और इसी तरीके से अगर वो दो की बजाय किसी दो या तीन को यूटिलाइज़ कर रही है तो अगर हम देखें तो इस फॉर्म में

कि जो डुअलिटी का थ्योरम के तहत कि आइदर वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर प्रॉफ़िट विद द हेल्प ऑफ द आउटपुट मैक्सिमाइजेशन फॉर द गिवन लेवल ऑफ द इनपुट और वी कैन एडजस्ट द प्रॉफिट बाय द मिनिमाइजेशन ऑफ द इनपुट सो ये रिक्वायरमेंट है हमारी इसकी कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए कि जिसमें फर्म्स अपने उस इनपुट्स के कम्बीशन को इस्तेमाल करेगी कि जहाँ पे जो उसका आइसो ऑफ expressing the output it should be tangent to its isocost